गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिरम फ्रॉम मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे इट्स आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास फर्स्ट। टुडे आई विल टेल यू अबाउट ए वीक ऑफ जॉय। यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ ए वीक ऑफ जॉय? मीन्स आनंद का सप्ताह। इस पोएम में देखिए पोइट क्या कह रहा है कि जो ये वीक के जो सब दिन होते हैं, सप्ताह में हमारे 7 डेज होते हैं, वो 7 के 7 डेज जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हमें जो है हफ्ते के सारे दिनों को जो है इन्जॉय करना चाहिए। फर्स्टली आई विल रीड द चैप्टर। मंडे इज़ फॉर मीटिंग बट ट्यूजडे इज़ फॉर टॉकिंग। वेडनसडे इज़ फॉर वेटिंग बट थर्सडे इज़ फॉर थिंकिंग। Friday is for fishing but Saturday is just for sitting. Sunday is for sunning with everyone enjoying. Means Monday is for meeting. Monday जो है वो किस लिए है? मीटिंग के लिए, जैसे कि असेंबली वगैरह होती है, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और हम जैसे कि एक बैठक बैठाई जाती है, उसके लिए हम कौन सा दिन रखते हैं? मंडे का। बट ट्यूजडे इज़ फॉर टॉकिंग, और ट्यूजडे का जो दिन है वो किस लिए रखते हैं हम? ट्यूजडे का सेकेंड डे है वीक का, तो वो किस लिए लेते हैं हम? टॉकिंग के लिए, यानी कि बात वगैरह करने के लिए। तो सेकंड डे भी फिक्स हो गया हमारा। वेडनसडे इज़ फॉर वेटिंग, वेडनसडे का दिन किस लिए है? वेटिंग के लिए, इंतज़ार के लिए। तो हमारा थर्ड डे भी फिक्स हो गया किस लिए? इंतज़ार के लिए। बट थर्सडे इज़ फॉर थिंकिंग, थर्सडे का दिन किस लिए है? थिंकिंग यानी कि सोच के लिए, सोचते हैं उस दिन हम इकट्ठे होंगे और सोचेंगे, मतलब इस दिन के बाद इस दिन। फ्राइडे इज़ फॉर फिशिंग, फ्राइडे का दिन किस लिए है? फिशिंग के लिए, यानी कि मछली पकड़ने के लिए। फ्राइडे के दिन हम क्या करेंगे? मछली पकड़ेंगे। बट सैटरडे इज़ जस्ट फॉर सिटिंग, और सैटरडे के दिन क्या करेंगे? सैटरडे का दिन किस लिए है? सिटिंग यानी कि बैठने के लिए। सैटरडे के दिन हम बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। संडे इज़ फॉर सनिंग, संडे का दिन किस लिए है? सूरज के लिए। विद एवरी वन इन्जॉइंग, यानी कि ये जो मैंने आपको 7 डेज के बारे में बताया है, वो सब के ये सब दिनों को हमें क्या करना चाहिए? इन्जॉय करना चाहिए। थैंक यू।